हेलो गाइस, नमस्कार, क्या हाल, सलाम वालेकुम, कैसे गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक है। तो आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट है, अलग है। एक्चुअली मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था, लेकिन फाइनली मुझे बनाना पड़ा। तो आज के गाइस, एक्चुअली मैं कुछ फ्लिपकार्ट से मैं एक शर्ट मंगाया हूँ और शूज़ मंगाया, तो हम ये चीज़ डिटेल जानेंगे। और एक्चुअली मैं ये नहीं बना रहा था क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट से थोड़ा विश्वास उठ गया था। मैं आज के लगभग 6 महीना पहले गाइस मैंने मंगाया था, एक शर्ट मंगाया था, फुल शर्ट मंगाया था, और आया टी शर्ट। विश्वास उठ गया उसके बाद एक मैं अपनी अम्मी के लिए और अपने सिस्टर के लिए एक साड़ी मंगाया था और एक सलवार सूट मंगाया था, लेकिन उसका प्रोडक्ट इतना ही ख़राब था कि मैं पूरी तरह से उसको कैंसिल करना पड़ा। और जो भी था फ्लिपकार्ट भाई साहब, उसके साथ भी थोड़ा बहुत बातों में थोड़ा सा उलझ गए थे हम दोनों। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, और होता है ना कि जब तक आप किसी के साथ गलती नहीं करोगे या गलत नहीं होगा, तो आपको सीख कैसे मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पर कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आते रहेगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले गाइस मैं आपको शर्ट आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की है। अब कमेंट में बताना प्लीज़ टी शर्ट कैसा लगा, मैं पहन के भी दिखाऊंगा कुछ दिन बाद। पहले आप देख लीजिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं गाइस, मैं ये नहीं बताऊंगा कितने के है, लेकिन मेरा पसंद, मेरा चॉइस, डेट्स वाई आई टेलिंग यू। ये रहा शर्ट, और मैं पहन के भी दिखाऊंगा गाइस, एक सेकंड आप होल्ड में रहिए। इसके बाद मैं शूज़ भी दिखाना चाहूँगा। ये रहा, इस तरह है, मैं खोल के दिखाना चाहूँगा ये कितनी। एक्चुअली 7 नंबर का मैंने मांगा था, मैं अब तक देखा भी नहीं, फाइनली में देखा भी नहीं, तो अब मुझे अभी खोल के फाइनली में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस देखिए, इस तरह है, और नंबर मैं देख लेता हूँ, हाँ 7 नंबर है, बिल्कुल एकदम सही चीज़ आया है। और मुझे दोनों पसंद आया, शर्ट और शूज़ भी बिल्कुल पसंद आया, जो चीज़ मंगाया था गाइस वही आया है। और मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ दोनों। अब मैं पहन के देख लेता हूँ क्या है नहीं, उसके बाद आगे के प्रोसेस बताऊँगा, प्लीज़ होल्ड। हाँ दोस्तों, तो ये रहा शर्ट, ये रहा शूज़, ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है, बढ़िया, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, जहाँ पर 100 वहाँ 50 से ठीक है। तो एक्चुअली आज अच्छा लग रहा है, एक अच्छा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, और आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज मुझे यूट्यूब का आज 1 महीना पूरा हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई को सपोर्ट करें, और जूता भी ठीक लग रहा है, काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे जो उम्मीद था फ्लिपकार्ट से, वो उम्मीद आज वाकई में उतरा है। मैं फ्लिपकार्ट वाले को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज शायद मुझे लग रहा है कि पहली बार मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिला। इससे पहले 3 से 4 बार मैं मांगा चाहूँगा, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक था ही नहीं। तो फाइनल अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर लूज़ है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी लूज़ है, तो मैं इतना होता है इतना तो कम्प्रोमाइज़ हम कर ही लेंगे। तो ये खाली कुछ करना है, बाकी आप कमेंट बताएं कि शर्ट कैसा लगा और मेरा शूज़ कैसा रहेगा। तो बस आज का ब्लॉक ये रहा। और सेकंड नंबर पे अभी हम यहाँ से हम गोविंदपुर जाना चाहेंगे। गोविंदपुर एक्चुअली ये झारखंड है, एक्चुअली झारखंड है, झारखंड के अंदर में गोविंदपुर, धनबाद भी सब आता है। तो हम यहाँ से, हमारा मार्केट लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पे है, हमें जाकर एक बैग सेलेक्ट करना है, एक बैग लेना है, कि बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने बैग खरीदा नहीं, तो जाके देखते हैं वहाँ क्या होता है। दोस्तों तो फाइनली मैं गोविंदपुर चौक में बिल्कुल हूँ, और देखिए यहाँ पे सुबह टाइम में काफ़ी क्राउड है रहता है, तो मैं सारे चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो रास्ता आप दिख रहे हैं, ये तो निरसा बरवा गया, जो मैं अभी जस्ट वहाँ से आया है, और मुझे पश्चिम की ओर जाना है, तो बैक कैमरा कर होते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये रहा, ये जो रोड गया, देखिए ये जो दिख रहा है, ये डायरेक्ट राजगंज होते हुए जगह, एक्चुअली गोविंदपुर झारखंड के अंदर में दोस्तों। और जो यहाँ का लोकल है उसी को पता है कि यहाँ का क्या लोकेशन है, मैं सारे चीज़ यहाँ का बताना चाहूँगा स्टेप बाई स्टेप। तो वीडियो में लास्ट बने रही है, और देखिए यहाँ का गोविंदपुर एक्चुअली सुबह का टाइम है दोस्तों, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा ही क्राउड हुआ है। तो मैं कुछ सीन दिखाना चाहूँगा आगे के प्रोसेस। तो दोस्तों एक्चुअली ये है मार्केट, ये गोविंदपुर के बीचों बीच में बिल्कुल आया हूँ, यहाँ मैं कुछ आपको विवश को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो मार्केट है, ये सुबह में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये क्राउड भी होता है। और ये है चौक गोविंदपुर का, मैं रोड क्रॉस पर हो लेता हूँ, और यहाँ का चीज़ कुछ मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए ये है सुबह का क्राउड और ये भीड़, ये नज़ारा देखिए,
मैं आगे तक जाना चाहूँगा और आपको आपको यहाँ का जो लोकेशन है, यहाँ का जो पब्लिसिटी है, मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा। ये रहा दोस्तों ये, और एक्चुअली मैं यहाँ पर आने का एक ही मकसद था दोस्तों, और यहाँ से मैं एक सामने में एक दुकान है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। एक्चुअली मैंने कल एक बैग सेलेक्ट किया था, तो बैग मैं लेने चाहूँगा दोस्तों। तो एक्चुअली देख गाइस, ये है लाल गोविंदपुर में जो लाल बाजार मार्केट कहा जाता है, काफ़ी सुंदर है। यहाँ का कपड़े भी बहुत देखे, यहाँ पर एक से एक वेरायटी दुकान है। तो मैं चाहूँगा गाइस, अगर आप यहाँ का लोकल है तो प्लीज़ एक बार आप यहाँ पर आइए, घूमिए। यहाँ का सारे चीज़ मैं डिटेल देना चाहूँगा, और वीडियो में प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए कौन सा ये लाल मार्केट बाजार है, क्या नाम है? गोविंदपुर बाजार है, लाल बाजार। तो फाइनली ये गोविंदपुर बाजार है, लाल बाजार। तो मैं आगे तक मैं लेके जाना चाहूँगा। दोस्तों तो एक्चुअली ये जो दिख रहा है वो सामने जो एक बैग दुकान है, एक्चुअली मैं बता वहाँ पर एक मुझे बैग लेना है। और सबसे पहले तो हम रोड क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों क्राउड है, तो हम धीरे धीरे पर रोड क्रॉस करेंगे। और दोस्तों तो देखिए ये सामने जो दिख रहा है, सामने जो दिख रहा है वो बैग, हम उस बैग की दुकान पर जाएंगे। एक्चुअली वहाँ पर मैंने कल एक बैग सेलेक्ट किया था, तो हम वहाँ पर जाएंगे और चाचा से हम परचेस करेंगे बैग, क्या रेंट पे देने वाला नहीं देने वाला है दोस्तों। तो एक्चुअली फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैंने एक्चुअली कल एक बैग देखा था, बाई मिस्टेक से मेरे पास पैसे शॉर्ट होने का चांस नहीं ले पाया। और ये रहा जो है ये बैग, काफ़ी शानदार है, बढ़िया, मुझे काफ़ी पसंद लगा। तो हम एक्चुअली चाचा के पास आया, तो चाचा इसके बारे में रिव्यू देगा क्या है नहीं है। बैग काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हो, और आप ये भी दुकान सकते हैं। आप देखो दुकान मानता हूँ छोटा है, लेकिन यहाँ का क्वालिटी यहाँ और यहाँ का बैग बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो आप एक बार जरूर आइए, ये गोविंदपुर है, गोविंदपुर मार्केट। अगर आप यहाँ के लोकल तो डेफिनेटली आपको यहाँ पता है। तो चाचा तो एक्चुअली बैग का क्या प्रोसेस है? एक्चुअली मैं बैग पसंद करके आया, कल का आया था, तो कितने की है बताइए, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये तो हम लोग मतलब 350 में बेचते हैं, लेकिन इसको हम लोग आपका जैसे पहचान होने की वजह से हम उसको दें 280 रुपये में। अच्छा, तो चाचा और एक चीज़ आपको कहना है, एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं है, तो आप पेटीएम या गूगल पे कुछ फोन पे क्या अवेलेबल है, क्या फैसिलिटी आपके पास? पेटीएम है मेरे पास। अच्छा, तो एक्चुअली काका चाचा कहना है कि पेटीएम से हो जाएगा, गूगल पे हो जाएगा, तो हम एक्चुअली फोन से हम इसको परचेस करेंगे। तो गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वीडियो में, तो अभी फाइनली मैं ये बैग लेके जाऊंगा और कुछ और आगे का सीन आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो एक्चुअली ये टुंडी रोड है, ये एक ग्रिड जाता है, यहाँ से ग्रिड तकरीबन ये 50 किलोमीटर समथिंग है, यहाँ से ये रोड 50 किलोमीटर है। यहाँ का कुछ आपको सीन दिखाना चाहूँगा, यहाँ का जो मार्केट है आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार मार्केट है। सुबह में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, आपको चौक में तो दिखाई दिया था कितना ज़्यादा क्राउड था। तो दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत किया हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं, अपनी ख्याल रखना, और अभी खास करके मास्क पहन कर चलिए घर से, बिना बजे मत निकलिए। मैं अब मेरे पास भी खुद में मास्क में सेफ्टी हो चलता हूँ लेके चलता हूँ गाइस दोस्तों, लेकिन अभी मैं खुद पकड़े मास्क रखा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने के कारण से अभी नहीं पहना हूँ। तो आई होप कि डेफिनेटली ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें, सलाम, और अपने ख्याल रखिए।